नरेगा योजना में ग्राम पंचायत लॉगिन से जॉब कार्ड पर खाता किस तरह से फीड किया जाता है, इसका प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत आईडी लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सेकंड नंबर पर अपडेट एप्लीकेंट्स अकाउंट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कॉमर्शियल आरबीआई बैंक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे सर्च वाई फैमिली आईडी, इस पर आपको अपना जॉब कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका नाम शो कर जाएगा, अगर आपका खाता फीड नहीं हुआ होगा तो। यहाँ पे आपको अपना खाता फीड करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर डालना, कंफर्म अकाउंट नंबर, और यहाँ साइड में आपको जैसा आपके पासबुक पर नाम है बिल्कुल सेम डाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बैंक चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बैंक, जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सारी बैंकें मिल जाएंगी। उसके बाद आपको एफसी कोड डाल देना है जिस भी बैंक में आपका खाता है। एफसी कोड डालने के बाद आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको आपका बैंक का एफसी कोड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट टू पर टिक कर देना है और डेट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिलअप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सारे कुछ डिटेल्स चेक करने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रिकॉर्ड सेव्ड, इस पर आपको ओके बटन पर यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद आपका खाता सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने ब्लॉक पीओ लॉगिन से इसको फ्रीज करवा लेना है और फिर उसके बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने रोजगार सेवक दोस्तों के साथ शेयर करें।